इसराइली अखबार यरूशलम पोस्ट के आर्टिकल में बानी पीटीआई को इसराइल का हिमायती करार दे दिया गया। यरूशलम पोस्ट ने इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। आर्टिकल में लिखा गया है कि बानी इसराइल मुखालिफ बयानियां देने के बावजूद इसराइल से बेहतरीन ताल्लुकात के इशारे देते रहे। बानी इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं और बानी पीटीआई की इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का सरेनो जायजा लेने का मौका है। इसराइली अखबार के आर्टिकल में कहा गया है कि इसराइल दोस्त खारिजा पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक फायदे हैं, लेकिन पाकिस्तान के फौजी इस्टेब्लिशमेंट से मुजाफत का सामना है। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसा इसराइल के साथ ताल्लुकात को माबूल पर आने से रोका। इसमें इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क्यादत को बदलना होगा, क्योंकि बानी पीटीआई इसराइल के हिमायती और इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क्यादत के मुखालिफ। यरूशलम पोस्ट ने इमरान खान को दोगलापन बेनकाब कर दिया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का इसराइली अखबार में छपने वाले आर्टिकल पर रद्द अमल। कहा, यरूशलम पोस्ट ने बानी को हमख्याल शख्स करार दिया। बानी पीटीआई इसराइल से मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। यरूशलम पोस्ट की बात आंख खोल देने वाली है, क्योंकि इस आर्टिकल ने इमरान खान का दोगलापन और तजादात का पहलू बेनकाब कर दिया है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना था कि आज पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है। इनके पास पाकिस्तान को कमजोर करने का एक ही तरीका था कि अफवाज को कमजोर करो। ये अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम हमेशा एक सवाल पूछते रहेंगे कि शोदा के मुजस्मे जलाए गए, मजाक उड़ाया गया। एक जत्था अमरीका में बैठकर आईएमएफ की इमारत के बाहर ही एहतजाज करता रहा। इनकी कोशिश थी कि आईएमएफ पाकिस्तान से मुआहदा ना करे। इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने माशी पॉलिसी में बेहतरी को तरजीह दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी महंगाई में कमी अपने मसाइल का हल और माशी बेहतरी चाहते हैं। जलूसों के लिए मैदान भरने की कोशिश करने के बजाय अवाम के माशी हालात बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जल से 2028 में करेंगे। अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने का वक्त। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी।